एक बार फिर सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात हुआ है, एक बार फिर सनातनियों के दिल पर आघात पहुंचाया गया है, एक बार फिर हिंदू आस्था पर प्रहार किया गया है। इस बार छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बलरामपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान, यानी कि जब गणपति बप्पा को लोग विसर्जित करने जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने इस दौरान पथराव कर दिया। इस पथराव में एक बच्ची घायल हो गई है। सवाल यही उठता है कि क्यों आखिर श्री राम नवमी की बात करें, श्री हनुमान जन्मोत्सव की बात करें, या फिर गणपति जी के विसर्जन की बात करें, क्यों आखिर ऐसे लोगों को दिक्कतें होती हैं जो आम लोगों पर पथराव करने से बाज नहीं आते? ऐसे लोगों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं गवाह, अभी हम लोग दंगल सर, अभी गिरफ्तारी गिरफ्तारी अभी हो, 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 गिरफ्तारी एक अपना भी सब था सब कोई हां अभी चलते हैं ना भाई सर, चलते नहीं पूरी छोड़ दे आई से ना गाली वाला चला कोई आ रहे चला रहे नहीं करो चला नहीं करो ऐ सुधी नहीं करो। आधार पर चार अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की है और नामजद एफआईआर में इमाम इस्थाक और दो अन्य के विरुद्ध अपराध दर्ज हुए। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टिगेशन में प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आज तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है, तथा शेष एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इख्तियार नाम का व्यक्ति है जो उदारी में मिडिल स्कूल का टीचर है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर